उसके बाद अगर हम यहाँ से ब्लूटूथ को ऑन करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये कनेक्ट हो गया ना, तो ये चीज़ें हैं। अभी आप देख लो इस तरीके से कॉल आती है, ब्लूटूथ कॉलिंग, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट रिसीव कर सकते हैं। हेलो, हेलो एवरीवन, सबका स्वागत करता हूं अपने एक नए YouTube वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं i8 Pro Max स्मार्ट वॉच को अगर हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें चला पाते हैं, अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो उसकी आवाज़ कितनी क्लियर आती है, अगर हम सॉन्ग सुन रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं तो i8 Pro Max स्मार्ट वॉच में उसकी जो आवाज़ है, जो वॉइस है, कितनी क्लियर आने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, हम ऐप से कनेक्ट नहीं करने वाले हैं, है ना। तो आज की वीडियो में हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें, ये है मेरे पास i8 Pro Max स्मार्ट वॉच और यहाँ पे ब्लूटूथ जो है कि ऑफ है और इसमें भी ब्लूटूथ ऑफ है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है कि ब्लूटूथ आपका ऑन रहना चाहिए। अगर ब्लूटूथ ऑन रहेगा तभी आपका कनेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज कनेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो कनेक्ट करने के लिए अभी हम यहाँ अपने स्मार्ट जो हमारा फ़ोन है इसका ब्लूटूथ हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ऑन करने के बाद देन यहाँ से हम सर्च करते हैं वो डिवाइस, ठीक है। यहाँ से पहले हम फिर से ऑफ करते हैं और यहाँ से ऑन करते हैं तो सारे डिवाइस यहाँ पे सर्च ले लेगा, ठीक है। सर्च में ले लेगा जो जो डिवाइस ओपन रहेंगे या जो जो पास में रहेंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, HRY 3.0, ठीक है, ये वाला है। तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्ट हो रहा है थोड़ा सा, और उसके बाद क्या करेंगे पता है, यहाँ से इस वाले ब्लूटूथ को जो अपने स्मार्ट वॉच में है यहाँ से ऑन कर देंगे। तो आप देख लें कनेक्ट हो गया तुरंत ही, जैसे हम अपने स्मार्ट वॉच का ब्लूटूथ ऑन करेंगे ना ये वाला, तो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। अभी हमारा कनेक्ट है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, पहले इसमें थोड़ा सा ऑडियो बजाते हैं सॉन्ग, ठीक है। सॉन्ग तो अभी सॉन्ग इसमें आपको बजा के दिखाते हैं, देखते हैं कितनी क्लियर वॉइस आ रही है इसकी, जो कि यहाँ पे स्पीकर भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा नेट स्लो है इस वजह से थोड़ी सी इशू आ रही है। चलो इसको प्ले कर लेते हैं। यहाँ का जो ब्लूटूथ है ना आपके स्मार्ट वॉच का, ये ऑन होना चाहिए जब ही कनेक्ट हो पाएगा ब्लूटूथ से, है ना। ये ब्लूटूथ ये रहा, यहाँ से वॉल्यूम को आप स्लो और फास्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, ये हमारी स्मार्ट वॉच में आवाज़ आ रही है, ठीक है। आप बताना कमेंट्स में कि इसकी वॉइस कैसी है, ठीक है, स्पीड कैसी है। अभी हम दूसरा गाना सॉन्ग लेते हैं एक, और ये सॉन्ग लेते हैं। स्लो चल रहा, नेट का थोड़ा इशू है। अब देखो अगर यहाँ ब्लूटूथ से हम इसको बंद करते हैं ना, ये ब्लूटूथ अगर बंद कर देते हैं तो देखो आवाज इसमें आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से ब्लूटूथ को ऑन करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये कनेक्ट हो गया ना, तो ये चीज़ें हैं। अभी आप देख लो, ठीक है, वॉइस ठीक है। अब हम कॉल करके देखते हैं, ठीक है। किसी को हम कॉल करते हैं, एक बार मान लीजिए हम कॉल करते हैं,
अब देख लो अभी हमने कॉल किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्मार्ट वॉच में भी जो है कि कॉलिंग की बिल जा रही है और यहाँ पे भी, तो ये रिसीव हो चुकी है कॉल, आप देख पा रहे होंगे। हेलो, आवाज आ रही है? तो आवाज दोस्तों आप सुन सकते हो, आवाज क्लियर आ रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तो मैंने माइक के पास से आपको सुनाया है, ठीक है, अब वापस से इस पे कॉल करिए वापस से। अभी मैंने उससे वहां से इनकमिंग कॉल, मतलब उधर से कॉल लगवाया इस पे, देखते हैं इस पे रिंग कैसी बजती है और रिसीव होता है कि नहीं होता है ना। तो अभी हम देखते हैं चेक करके। तो आप देख लें दोस्तों इस तरीके से कॉल आती है, ब्लूटूथ कॉलिंग, ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट रिसीव कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आप ब्लूटूथ कॉलिंग से कॉल भी कर सकते हो और ऑडियो भी सुन सकते हो, वीडियो भी सुन सकते हो। तो आवाज की क्लियरिटी मैंने आपको दिखा दी, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये रहा इधर का स्पीकर और ये रहा माइक, हम डायरेक्टली यहाँ से बात भी कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है ना अच्छे से? हाँ, तो यहाँ पे आवाज काफी अच्छी क्लियरिटी आ रही है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे तो किस तरीके से हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और कैसे हमने आपको सब कुछ बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, रखिएगा अपना ख्याल नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।